हेलो एवरीवन, आई एम आकाश वर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन द कॉमर्स स्टडी ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द डबल कॉलम कैश बुक विद कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। तो ये आता है हमारा बेसिकली डबल कॉलम कैश बुक के अंदर, जिसके साथ हम कैश बुक में अब हम डिस्काउंट की एंट्रीज को भी क्या करेंगे, शो करेंगे। सो वेलकम टू माई चैनल अगेन। ठीक है, हमने इससे पहले दो वीडियो बनाई है कैश बुक के ऊपर, जिसके ऊपर हमने फर्स्ट पार्ट में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक और सेकंड पार्ट में सिंगल कॉलम कैश बुक विद जीएसटी के टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक को ओपन करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट द थर्ड सेशन ऑफ द टॉपिक ऑफ द कैश बुक। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कैश बुक वो बुक है जिसमें हम अपनी कैश रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट में से भी हम डालते हैं कैश रिसीट्स और क्रेडिट में से भी डालते हैं हम अपना कैश पेमेंट, और प्लस माइनस करके जो डिफरेंस आता है वो हम डाल देते हैं अपना बाय बैलेंस करेड ऑन। ठीक है, सो कैश बुक हमारा क्या एक तरीके का रियल अकाउंट ही है, जिसमें हम सिंपल क्या करेंगे, जर्नल डालने के बगैर ही सीधा हम क्या बनाते हैं, एक कैश बुक बनाते हैं और डेबिट और क्रेडिट में एंट्री डालते हैं। तो कंसेप्ट आपको क्लियर ही है, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, जब भी हमें कैश रिसीव हुआ है एंट्री डालेंगे डेबिट में टू साइड, और जब भी कैश हम पे करेंगे तो एंट्री डालेंगे क्रेडिट में बाय साइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो हमारा डबल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले आपने इस फॉर्मेट को लिखी, सबसे पहले देखिए डेट पर्टिकुलर एडर, ये साथ में तो दो कॉलम बने हैं, एक बना है डिस्काउंट अलाउड और एक बना है कैश अकाउंट। उसी तरीके से दे पर्टिकुलर एडर अगेन दो कॉलम है, एक है डिस्काउंट रिसीव और एक है कैश, क्योंकि आपको पता है जब डिस्काउंट अलाउड है वो होता है हमारा डेबिट और डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या होता है क्रेडिट, क्योंकि जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया वो हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है और इनकम को हम क्या करते हैं क्रेडिट। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कोर पॉइंट आप उनसे समझिए, अगर तो एंट्री टू साइड आएगी डेबिट में तो उसका डिस्काउंट भी डेबिट में ही रहेगा, अगर एंट्री क्रेडिट में है तो उसका डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही रहेगा। सिंपल सा कंसेप्ट आपने याद रखना है। क्वेश्चन करते हैं, ऐसे तो समझ लगेगा नहीं, तो क्वेश्चन जब मैंने सामने दिया होगा क्वेश्चन आपका, तो जनवरी फर्स्ट से लेकर जनवरी सिक्स तक की सभी ट्रांजेक्शन है वन बाय वन ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे और उसके साथ साथ उसकी कैश बुक बनाते रहेंगे। तो कुछ पॉइंट मैं आपसे भी पूछूंगा, आप अपने आंसर माइंड में प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, सबसे पहले जनवरी फर्स्ट को मिली है कैश इन हैंड 24,000, तो ये कहां लिखेंगे हम, ये ओपनिंग बैलेंस हमारा जनवरी फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉड ऑफ, और ये अमाउंट कैश का है, कैश में रखेगा, सिर्फ डिस्काउंट वाले अमाउंट अगर होंगे तो डिस्काउंट के साथ भी जाएंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा ड्रू फ्रॉम बैंक। आप जरा सोच के बताइए, आपने बैंक से पैसे निकाले, ड्रू मतलब निकालना, तो जब बैंक से पैसे निकालोगे तो कैश आएगा कि जाएगा, आपके पास कैश आएगा कि जाएगा, तो कैश आएगा, तो ये आपको बताइए क्या हमारी बेसिक साइड और ये क्या हमारी पेमेंट साइड। ठीक है जी, तो कैश आया हमारे पास जनवरी फर्स्ट को, क्या लिखेंगे टू बैंक, कितना अमाउंट आया 8,000। ठीक है, इसके बाद पेड वेजेस, जनवरी फर्स्ट को वेजेस पे भी कैश आ गया बाय वेजेस, कितना अमाउंट है 3,200 कैश में डाला। अगेन द पेड रेंट जनवरी फर्स्ट बाय रेंट अमाउंट हमारा 2,100, ये भी मिला था बाय साइड पे। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, मेरे ध्यान से सुनना, जनवरी फर्स्ट रिसीव फ्रॉम जतिन, जतिन से कैश रिसीव किया, तो सबसे पहले आपको पता लगेगा ये रिसीव किया तो रिसीट्स की एंट्री है, कहां पे लाने के डेबिट में, कैश रिसीव हो गया जतिन से टू जतिन, कितना कैश रिसीव किया 3,100 एंड डिस्काउंट अलाउड 100। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अगर ट्रांजेक्शन डेबिट में है तो उसका कैश भी डेबिट में और डिस्काउंट भी हमारा डेबिट में ही आएगा। ठीक है, तो कैश का अमाउंट कैश में डाल दिया, डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में डाल दिया, सिंपल सा पॉइंट था ये बस। अब उसी तरीके से नेक्स्ट है कैश सेल, गुस बेची कैश आएगा जैन सेकंड टू सेल्स 5,000 कैश में, फिर पे इनटू बैंक अमाउंट इसका लिखा नहीं मैंने, तो जैन सेकंड की एंट्री थी कैश से, वो लिखा टू सेल कैश में क्योंकि घुस बेची कैश आ गया।
अब पे इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए हैं, कैश चला गया, पेमेंट बाय बैंक अमाउंट 2000 कैश में। उसी तरीके से अब हमने पे किया भूषण को, पे टू भूषण 3350 इन फुल सेटलमेंट को 3500 दिया हमने, उसको 3500 पे करना था लेकिन हमने उसको 3350 उसको पे किया। बाकी डिस्काउंट कितना मिलता है 150, आप माइनस करके देख सकते हो उसकी। पे किया करके रहेगी बाय सेट क्रेडिट में बाय भूषण 3350 आ गया कैश में और जो 150 है वो आएगा डिस्काउंट। उसी तरीके से गुड्स परचेज फॉर कैश क्या लिखेंगे बाय परचेजेस, कितना अमाउंट है 400। नेक्स्ट जनवरी फॉर पेड फॉर स्टेशनरी, ये भी डालेंगे बाय साइड पर बाय स्टेशनरी 250। फिर परचेज मशीनरी अगेन जनवरी फोर, बाय मशीनरी कितने की मशीन परचेज की 3000 की, क्योंकि आपको पता है सभी ट्रांजैक्शन से हमारा क्या है कैश गया है, कैश की पेमेंट पे की है, गुड्स खरीदोगे कैश गया, स्टेशनरी पे किया, मशीनरी खरीदी कैश गया, खरीद हमारी क्रेडिट नहीं आएंगे। उसके बाद है रिसीव फ्रॉम अ स्टॉकी अगेंस्ट और डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ, ये पॉइंट याद करो, ये पॉइंट है कि रस्तोगी जो हमारा पैसा पहले लेकर भाग गया था अब वो पैसा हमारा दोबारा रिसीव हुआ है, रिसीव और क्रेडिट डालोगे टू साइड पे डेबिट में, लेकिन इसके लिए लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर, इसके लिए टू रस्तोगी नहीं लिखना, इसलिए वर्ड क्या आएगा टू बैड डेट रिकवर, क्योंकि जो पैसा पहले लेकर भाग गया था रस्तोगी वो ही पैसा उसको हमने वापस दे दिया। तो कितना अमाउंट है ये 6500 कैश में रहेगा। उसके बाद पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना अमाउंट है ये भी बराबर हम आपको देखते हैं, और लास्ट है रिसीव फ्रॉम राज, रिसीव किया क्रेडिट डालेंगे टू साइड में डेबिट में, टू राज कितना रिसीव किया 3800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4000, बाकी 200 का हो गया ये डिस्काउंट। ठीक है, तो ये है हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, और कुछ पॉइंट बचा नहीं, एक बार सारा क्वेश्चन फिर से देख लो। सबसे पहले दिया था कैश इन हैंड, वो लिखा हमने टू बैलेंस ब्रॉड ऑन कैश में, फिर ड्रू फ्रॉम बैंक, जब आप बैंक से पैसे निकालोगे तो कैश आएगा टू बैंक कैश में, पेड वेजेस पेड रेंट दोनों पे किए हैं, पे करोगे ब्लैक कैश चला गया, एंट्री भी करा दोगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश को डेबिट किया रेंट में देगी बाय वेजेस बाय रेंट, वेजेस का अमाउंट वेजेस में रेंट का अमाउंट रेंट में, रिसीव फ्रॉम जतिन, जतिन से रिसीव किया तो कैश आ गया, रिसीव टू जतिन 3100 कैश में, बाकी जो 100 वो डिस्काउंट में, कैश से दूसरी बेचे तो कैश आएगा टू सेल्स 5000 कैश में, पे इनटू बैंक, बैंक में पे किया बाय बैंक 2000, फिर पे इनटू भूषण 3350 बाय भूषण 3350, बाकी जो 3500 का फुल अमाउंट है लेकिन पे किया 3350 तो 150 मार्क मिल गया डिस्काउंट, तो डाला डिस्काउंट में, गुड्स परचेजेस फॉर कैश बाय परचेजेस 400 कैश में, पे फॉर स्टेशनरी बाय स्टेशनरी 250 कैश में, पे परचेज मशीनरी बाय मशीनरी अगेन कैश में, रिसीव फ्रॉम स्टॉकी अगेंस्ट डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, प्रीवियसली मतलब पहले जो हमारा पहले पैसे लेकर भाग गया था उससे पैसे रिकवर हुआ, तो लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर 6500, पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये लिखा 2200, और उसके बाद रिसीव फ्रॉम राज टू राज कितना रिसीव कर 800, बाकी डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में डाल दिया, फुल सेटलमेंट 4000 का 200 का हमारा डिस्काउंट हो गया। अब हम बेसिक करनी है बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग करने का फर्स्ट टाइम है जैसे पहले भी करते हैं, सबसे पहले आप इन सभी साइड का टोटल ठीक है करते हैं, टोटल 24000 प्लस 8000 32000 प्लस 3000 45 40 46 and 49 ये हो गया, और प्लस 6 and 8 4800 49000 and 1400 ये हो गया हमारा 50,400 इस साइड का टोटल, अब इसका टोटल करो
3 and 2, 5 and 2, 7, 7 and 3, 10, 10 and 3, 13 and 2, 12,000, 12,000 एक ही हो गया, 200, 1, 300, 600, 1000, 1200, 1400, ठीक है, 1400, 1400 और 1,500, 1,500 कितना हो गया, 15,000, 1400, 15,000 हो गया, हमारा टोटल साइज आ गई 13,500 इसका टोटल आया 64,400 इसका टोटल आया 3,500 बाकी डिफरेंस आप डालोगे जैन 6 को बाय बैलेंस करेंगे तो ये आपका बैलेंस कितना है माइनस में के देख लो ठीक है जी आपका अकाउंट है 3690 कंफर्म कर लेते हैं कैलकुलेटर से ये थोड़ा गलत हो गया ये आएगा 16,500 तो ये आंसर आएगा 33900 और ये हो जाएगी दोनों साइडों का टोटल इक्वल अच्छा एक और पॉइंट अब जैसे डिस्काउंट का टोटल कितना 300 और यहाँ पर टोटल कितना 150 डिस्काउंट की बैलेंसिंग नहीं करनी सिर्फ हमने कैश का अमाउंट का बैलेंस करना डेबिट का टोटल क्रेडिट का जो आया डिफरेंस लेकर डाल दिया डिस्काउंट के दर्शन की यहाँ पे टोटल लिखेंगे इसका टोटल 300 इसका टोटल 16,400 इसका टोटल 150 और इसका टोटल भी आ गया 50,400 और फिर आपको पता है ये जो बाय बैलेंस का अमाउंट है ये जल्दी से हम यहाँ पे देकर आगे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट ऑन जो भी अमाउंट होगा वो डाल देना कैश कितना अमाउंट है 3390 तो इसके साथ ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन होता है फिनिश आई होप कि आपको टॉपिक समझ लग गया होगा ठीक है तो सबसे पहले उस पॉइंट का आया है सारा टॉपिक सेम है कैश रिसीव किया करेंटली डेबिट में कैश करेंटली क्रेडिट में अगर किसी के साथ डिस्काउंट है तो ये पहले आप ये देख लो कि अगर एंट्री टू साइड पे है तो उसका डिस्काउंट भी टू साइड पे लगेगा अगर एंट्री बाई साइड पे है तो उसका डिस्काउंट भी बाई साइड पे ही लगेगा ठीक है सारा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है बैलेंसिंग करनी है ठीक है कैश का टोटल करेंगे डेबिट का कैश का क्रेडिट का टोटल करेंगे हमेशा यही साइड डिफरेंस होती है ज्यादा जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो आपने देख लिए होंगे अभी तक तो ये साइड कम है जितना डिफरेंस हम डालेंगे बाय बैलेंस साइड ऑन और डिस्काउंट की बैलेंसिंग नहीं करनी तो इसके साथ ही हमारा जो कंसेप्ट है डबल कॉलम कैश बुक का करते हैं फिनिश ठीक है आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ लग गया होगा इसके साथ जो बुक में आपके पास जितने भी क्वेश्चन आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए ठीक है और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें सो थैंक यू वेरी मच